पापी की शादी। लोग यही सवालात थे कि आप भी हमारे घर क्यों रहती। कब हो रही है? बहुत सारे लोगों के इतने सारे कमेंट भर गए थे इसी क्वेश्चन से, तो चलो हम आप ही को ही बुलाते हैं और उससे ये सारी बातें करते हैं कि उसके शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं। चलो आप ही को लेकर आते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर इतनी सीरियस टॉक करने बैठे हैं, लेकिन ये मेरी लड़कियाँ क्या कर रही है, मतलब दे आर गेटिंग रेडी। देखिए इतना सारा इन लोगों ने कॉस्मेटिक अपने पास रखा हुआ है। आप ही का है सारा कॉस्मेटिक। आप ही जो है मेरे कॉस्मेटिक, ये अपने कॉस्मेटिक्स में बिजी रहती है। देखिए हर तरह का उसके पास कॉस्मेटिक है। ये क्रीम इस्तेमाल करती हूं मैं। मुंता अस्तगफिरुल्लाह कहने की आपको बिल्कुल भी जरूरत। खूबसूरती का रास डॉक्टर रशीद क्रीम आपको रिकमेंड करती हूँ। दारा ऐसे मत करो वरना जो जिनकी अच्छी स्किन है ना वो परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, और मैं ये ज्यादा ये यूज करती हूँ सैयद गनी का रोज वाटर। ये देखिए आगे करते हैं बताओ। गाइस आप ही मुझे मजबूर कर रही है कि उसकी सारी चीजें दिखाओ। देखो मेरे बाल दाने कितने उड़ते हैं। हाँ। मैं गार्डन का जिससे मैंने यूज करा एक हफ्ते यूज करा, देखो दाने मेरे दब गए। अच्छा बैठ गए। वाह वाह तो ये यूज करे। और दी ऑर्डिनरी का भी यूज करती हूँ मैं। अच्छा ये जो मेरे ओपन पोर्स था ना सारी चीजें कवर हुए। गाइस करीब से दिखाऊं आपको? गाइस मैं आपको करीब से दिखाऊं। और हाँ मेरे खूबसूरत बालों का रास कैरेटिन। ओह सिल्की स्मूथ बाल। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा स्मूथ बाल आप ही के, सब यही कहते हैं स्मूथ मजबूत। मस्त जोक मारा रे। मजबूत आप उसकी मजबूती चेक करें। चेक करें जिया लटक भी जाए तब भी इसको कुछ नहीं होगा इसके बालों का। ये कैरेटिन। पापी बताइए शादी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मेरे घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि शादी नहीं करूँ। आप भी खराब कर दिया तुमने सारा। बैक टू द सीरियस पॉइंट, बताओ आप ही। मैं वैसे शादी नहीं करना चाहती, वो इसलिए क्योंकि मैं छोटी छोटी दो बहनें हूं। हां जिया दोनों को मैंने बहुत नाजुक से पाला है। झूठी झूठी गाइस इसने तुम्हारा खाया था कि थप्पड़ मार मार के खाना खिलाया है। जब हम खाते हैं तो जबरदस्ती खिला देती है। सही है, अगर आप भी चलेगी तो घर का काम कौन करेगा गाइस? कौन तो करेगी यार? ऑफ कोर्स मुंदा है ना, मुंदा करेगी। मैं नहीं करने वाली। चलते यही रहे, तुम हमारे पास ही रहे। हमारे पास ही आप ही, तुम्हारे बगैर हम कैसे जाएंगे? मैं नहीं करूँ, बस तुम्हारे पास में हूँ। ठीक है। वापी वापी इतना बड़ा दिल कहाँ से लाती हो? अल्लाह की देन है, बस दिल बड़ा है। दिल बड़ा होना भी बीमारी है और छोटा होना भी बीमारी है, क्या कर सकते हैं। पापी बताइए लोगों के यही सवालात थे कि आप भी हमारे घर क्यों रहती है? क्या मतलब हमारा घर इसका घर नहीं है ये बताओ। भाई मेरा घर ये है, असल बात ये है कि जब मैं उस वक्त उस टाइम पे मैं जॉब किया करती हूँ। ठीक है। अब मैं मॉर्निंग में जाती थी, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, मैं मॉर्निंग में जाती सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करती, 7:30 तक निकल जाया करती। ठीक है, जब हम घोड़े बेच के सो रहे होते थे। क्यों जिया जी? ऐसा ही था। तो मैं सुबह मॉर्निंग में चली जाया करती थी और इवनिंग तक मैं तकरीबन 7-8 बजे तक मैं आ जाया करती थी घर पर। ठीक है, उस टाइम तक तो ये लोग क्या करती थी, अपलोड कर दिया करती थी वीडियो, तो इस टाइम थक भी जाया करती थी बहुत ज्यादा। तो हमें आप ही को वीडियो में लेने का टाइम नहीं मिलता, तो आप ही को हमने बताया कि आप ही ने काफी देर तक जॉब की है। आप ही की वीडियो में ना होने की यही वजह थी। अब अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो अच्छा है। तो आप ही होती नहीं थी घर में, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ही की शादी हो गई, आप ही कहीं और आप ही का घर है। नहीं भाई, उसका घर यही है, वो यही रहती थी। हाँ बस समझ आ गया। उस वक्त मैं जॉब करती थी तो मैं वीडियो में नहीं आती थी। अब मैं जॉब नहीं करती तो मैं घर में होती तो पूरा दिन घर में होती है। जाहिर है ऐसा भी होता है कि उनकी कुछ ब्लॉग्स में मैं नहीं आती हूँ। तो असल रीजन पता है क्या होता है? तो बैठ के सिलाइयाँ अम्मियों में सिलाई करते होते हैं सिलाई पे, और मैं आपको दिखा भी रही होती हूँ कि गाइस देखो आप सिलाई कर रही है। गाइस देखो मैं सिलाई कर रही होती हूँ, खाना पका रही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, तो उसमें इस वजह से मैं नहीं आ पाती। अपनी हालत बिगाड़ के बैठी हुई थी गाइस, सिंपल सी बात है। तो फिर हम बोलते हैं कि अपनी हालत सुधारो फिर आना हमारे घर पे, वरना नहीं आना। ऐसा करते वरना नहीं आना। जी नहीं लेती मेरे को कभी। लगता है आप भी बहुत इमोशनल हो गई है गाइस। आप लोगों के क्वेश्चन आप भी को इमोशनल कर देते हैं गाइस। इस तरह नहीं करा करें, हमारी आप ही रोज आएंगे। वैसे जो बात है आप लोगों के, आप ही के लिए इतने तारीफी कमेंट्स आते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगी? कैसे भी हो तो पता ही नहीं था गाइस आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो। कहती है अच्छा है। हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कॉमेंट्स करते हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी राय रखते हैं। तो प्लीज़
आपको हौसला अफजाई होती है और आप फिर अच्छा अच्छा तैयार होकर हमारी वीडियो में आती है नहीं आती है तो अच्छा मैं जा रही हूँ भाई मेरे कपड़े सिलाई के लिए पड़े हैं कपड़े कटिंग करने जा रही हूँ हमें बर्गर बनाना है लेकिन आपको कहीं चटनी बनाए चटनी भी नहीं बना सकती मैं आपको बता दूंगी रेसिपी मैं आपको रेसिपी बता दूंगी चटनी ही बनाएगी आप बहुत मजे की चटनी बना के काम होता है खत्म जाओ आप जाइए आप चलो अभी हम बनाएंगे बर्गर मुझे सुबह से मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों बर्गर खा जाओगी इतनी भी मैं मोटी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो यार इसमें मोटी का कहाँ से रिश्ता आ गया क्योंकि जो मोटा होता है वो ज्यादा खाता है सब लोग यही समझते हैं ओ डैम गाइस ऐसा नहीं समझ करें मोटे लोग हर्ट होते हैं मेरे घर में एक मोटा है ना मैं समझ सकती हूँ कितना हर्ट होता है मतलब ये मेरा पांडा पांडा बोला तुम खुश हो रही हो चलो यहाँ पर अब आप देख ही लें बहुत ही खुश होकर कि आप ही अगला कपड़ा स्टिच करने लगी है एक उसने ऑलरेडी काट दिया है और अगला स्टिच कर रही है तो बस आपी का यही काम है आई एम रियली सॉरी हाँ हाँ कटिंग है गलती हो गई माफ कीजिएगा साहब ये काटा मैंने और कौन सा सूट काटा है ये वाला ये देख लें ये सूट काटा है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपनी आपी को कहें कि हमारे स्टिच कर दिए ड्रेस ड्रेस तो आप ही कर दोगी हाँ कर दूंगी चलो ठीक है तो आपकी ने डन कर दिया आप लोगों को ड्रेस स्टिच कर देगी नंबर दे दूंगी आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो चाहो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो और अपना सूट घर पे भेज दो आप अच्छे से कट करके स्टिच करके भेज देगी नहीं आप ही सिर्फ स्टिच करेगी कट करेगी कट करेंगी अम्मी ठीक है अम्मी आप कट कर देंगी मैं अब यही करती हूं अब आप ही करती है मतलब आपने ट्रेन कर दिया है आपी को हाँ। चलो भाई गाइस गाइज ये देखिए हमारे घर में ये चलता है दो लोग बैठ के कटिंग कर रहे होते हैं दो लोग यानी मुंता और मैं कर रहे होते हैं खाना वाना ओ भाई साहब आप भी तुम्हारी कटिंग इतनी अच्छी है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तुमने कैंची पकड़ी हुई है हाँ हाँ सच में प्रोफेशनल तरीके से गाइस कैंची पकड़ी हुई है ये भी काफी हुनर का काम है कैसे पकड़ते कैंची नहीं मतलब वो एक होता है ना जो बंदा मास्टर होता है हमें पता लग जाता है कि उसके अंदाज ही अलग होता है तो आपके अंदाज देखिए अलग है आप हर तरीके से कपड़े पे बैठ के उठ के हर तरीके से आप कर रहे हो काम हाँ हाँ सही बात है प्रोफेशनल ये देखो कैसे प्रोफेशनल फाड़ है ओ एम जी माय गॉड बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर सब कि आप भी कितनी मेहनत वाली है जब सिल जाएंगे तो आपको स्टिच करके वो पहन के दिखाएंगे हाँ ठीक है जब ये स्टिच हो जाएंगे तो हम आप लोगों को फाइनल आउटकम दिखाएंगे अभी चलते हैं यहाँ पर आप ही जो है चटनी का बना रही है सामान ठीक है सारा धनिया खराब हो गया उसमें से बस ये बचा है अब इसकी पता नहीं कितनी चन्नन्नी मुन्नी सी चटनी बनेगी ठीक है कबाब जो मम्मी ने फ्रीज करके रखे हुए थे वो ये रहे ठीक है अंडे ले आई हूँ मैं सब्जियाँ मैंने काट ली हैं ये पूरे 3 दिन से पड़े हुए बंद थे जो कि हमने बना के खाए ही नहीं बंद गोभी और मेयोनीज को मैंने मिक्स करके रखा है और मैंने काटी है सब्जियाँ क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं वाह वाह दीदी वाह वाह कितना सच बोल रहे आपको गाइस पहले ही दर्शा दिया था कि थोड़ी सी चटनी बनने वाली है तो आप ही ने अब बोला है कि थोड़ी सी चटनी बनेगी है ना आप ही थोड़ी सी क्यों आप ही गई मैंने आप ही बड़ी चलाक हो अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने में बड़ी माहिर हो गई हो यहाँ छोटू काम करते हुए लहसुन और टमाटर लेकर आया आप ही को देने के लिए ये देखो किसको देना है आप ही तो बचा लो ये गाइस चटनी बना के लिए तो यार एहसान कर रही है मुझ पर क्यों क्या किया इसने तुम्हारा जिसे तुम्हारा दिल दुखा कहती है धनिया पुदीना खुद ही तोड़ो आप ही डंडी के साथ तोड़ो ना क्या हो गया डंडी का सही तो कह रही है मुंतहा वो इतना काम तुम नहीं करोगी तोड़ो तो तोड़ रही हूं तो कह रही डंडी का जायका है ऐसे ऐसे तोड़ते हैं बस ओहो 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 निकाल दी अब काट दो वाह वाह लहसुन डाल लें छोटे छोटे हरी मिर्चें भी डाल दे कट करके आपने नहीं बल्कि अपनी आपी के हाथ से कटी हुई डालनी है और आपी का जला भुना चेहरा भी देख लें जो गुस्से से जल भुन रहा है गाइस मतलब कुछ और मत समझे तो आप डाल दीजिए कि फालतू की मिर्चें जो कि आपी का हर चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना लाजमी होता है अगर आपकी बहन भी ऐसा करती है तो कमेंट कर दो तो बिनती करती हूँ इतनी फालतू चीज़ें मत डाला करो अच्छा खासा टेस्ट ख़राब हो जाता है अच्छा खासा अभी तो तारीफ करती आपी के हाथ की चटनी बना दें
आप ही के हाथ में ये, आप ही के हाथ में वो। गाइज अभी नमक डलने लगा है, ठीक है, और फालतू चीजें दो डाली हैं आप ही ने, मैंने वो नहीं दिखाई आपको, वरना तो आप कहते क्या करती हो। लाल मिर्च है, काली मिर्च है, काली मिर्च भी डाल दी गाइज फालतू सी, जो कि हम नहीं डालते लेकिन आप ही डालती है। अभी टिमटू भी डलेगा इसमें, ये टिमटू है, ठीक है, हम जी और मैं इसको टमटू कहते हैं, टिमटू कहते हैं प्यार से। डालेंगे और आप ही टमाटर धो के जरा काट के डालो वीडियो में। नहीं अब तुम डालो, तुम्हें सीख रहे हो, तुम्हें सीखो आओ चलो। मोए करती है, मैं जिया का मोए करती हूँ। गाइस सारे काम तो ये मुझसे ही करवा रही है, तो समझो चटनी तो मैंने ही बनाई है ना। बड़े पहाड़ खोद रही है सारे काम, धनिया चढ़वा के गई सारे काम। मैं कुछ बोलने लायक नहीं बची हूँ गाइस, चलो कैमरा बंद करते हैं, बाय 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 बाय। गाइस रेडी हो चुकी है, अभी बस इसको पीसने का काम रहता है, तो चलो आप ही पीसो ना, चलो आओ। क्या है तुमने सीखो, चलो बड़ी बिरयानी बनाना है, तो एक चटनी मुझे बनानी नहीं आती। जस्ट ऑफरिंग प्रेयर की कोई चीज़ नहीं, जो बहुत ही ज़ोरदार कोई धमाका टाइप हुआ, तो आई केम रनिंग, तो पता चला कि कुछ नहीं हुआ था और मुझे ना उसका कैमरा चुप हो गया। यार तुम जब भी थोड़ी सी अंग्रेजी क्या बोलूँ, तुम यही करती हो ना, अच्छी लगती हूँ मैं बोलते। थैंक यू सो मच गाइस, अब मुझे प्रेयर के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इमरजेंसी तो सोच के मैं भाग कर आ गई। अब चल देख कितनी मज़े की चटनी बनी है, अल्लाह पिसी नहीं थोड़ी सी आप ही, इतनी जल्दी बन गई। अब मुझे चलना चाहिए। गाइज मेरी खूबसूरत सी चटनी की शक्ल, ठीक है, बहुत ही प्यारी लग रही है। गाइज अम्मी ना कुछ यू बॉक्स में इस तरह से कबाब करके रखती है, नजर आ रहा होगा तुम्हें, नहीं आ रहा तो तब भी देख लो ऐसे करके, ठीक है। ये हम इसमें से दो कबाब उठाएंगे और इसको हम, आए निकल जा, जम गए ये तो, निकल गए, तो इसको हम फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अम्मी चावल ले आएंगे, तो चावल इसके अंदर डालेंगे हम। कालू पीछे पड़ी है, कालू मदारी लगाओ, कालू मदारी लगाओ, तंग कर दिया है। मोबाइल लाओ, जाके भाग के जाओ। काफी डालने लगी है चावल, ठीक है, देसी तरीका, छुरी से ओपन कर रही है, अकल इस्तेमाल कर लो, कैंची है तुम्हारे पास, घर पर है, ढूंढ के तुम लाओ ना। ये चावल डल रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। गाइस आप ही जो है संस्कारी औरत बनते हुए, गाइज मैं आप सभी लोगों को अपडेट देती हुई चलूं कि हम लोग सारा काम घर कर आ चुके हैं, लिटरली सारा सारा काम करा मैंने, तो क्या देखती हूँ मैं, तुमने किया सारा काम? मैंने कहा है हम लोगों ने सारा काम कर लिया। हम लोग भी नहीं, सिर्फ मैं और आप ही थोड़ा बहुत। यार मैं तुम्हारे साथ साथ थी, तो देखती हूँ कि क्या कि अम्मी अभी तक कपड़ा सिलाई कर, अल्लाह मैं जब से कटिंग को सिलाई या स्टिच क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तुम पागल हो ना। अम्मी जब से कटिंग कर रही हैं और वहाँ पर मुंता ये सारी चीज़ें ला के रख दी हैं, क्योंकि असेंबलिंग हम यहाँ बैठ के करने वाले हैं। किचन में तो कोई इंतहाई गर्मी है। टमटू खा रहा हूँ, टमटू खाता हूँ मैं। चलो गाइस इब्बी ने हमारा टमटू उठा लिया, मक्खियों ने सर दर्द कर दिया है, मक्खियाँ बहुत आ रही हैं, सर दर्द ने क्या उन्होंने हमारा मिजाज खराब कर दिया है। देखो सारी चीज़ें कितनी खिली खिली लग रही हैं यहाँ पर, मेरी वजह से है ना। हो गया आपका, हो गया। जिया को मैंने बोला कि तुमने कुछ किया नहीं तो तुम असेंबलिंग का काम करो, तो यहाँ पर जिया प्यारी असेंबलिंग कर रही है। जिया प्यारी, हाँ तुम ये असेंबलिंग सिस्टर, प्यारी सिस्टर। थैंक यू। एक एक चम्मच डालना, इतनी भर भर के चटनी में डालना, फैसले कानों से धुआं निकले और खाया ना जाए, इतनी तेज है चटनी। वही मैंने इसमें दो चम्मच डाल दी। ओ तेरा दिमाग खराब है क्या? सॉरी यार, अब क्या करूं, उठाऊं? मैंने तुम्हें काम करने के लिए दिया ही क्यों, अपना सर पीटूं अब? उठाऊं कि नहीं? उठाओ ना। उठा के कहाँ रखूंगी? उस वाले कबाब पर। इबी क्या कर रहे हो, ये सरदर्द है, सरदर्द है तुम्हारा, ये खींचो कि तोड़ देगा, अंडा तोड़ देगा। गाइस इबी ने नुकसान कर दिया, अब क्या करूँगा, ठीक है इसको अपने वाले कबाब में रखो। यार बड़ी चलाक हो तुम। फाइनली गाइस एवरीथिंग इज रेडी, डन कहना था यार मैंने, डन बोलना था, इधर तो यूं क्यों किया? तो मैं कहने, मैंने यूं नहीं किया, मैंने करा मींस Done. Guys, ये जिया का स्टाइल समझ लो, जब डन हो जाए यूं करेगी। अब हर काम डन नहीं होता, ये देखो जी। हाँ। ये ले कर लाओ। बाहर जाने के लिए कर रहा है सब कुछ। चलो डन हो गया मुंता काम, चलो बुलाओ आप ही को, आ जाओ आ जाओ। गाइस लुक एट इट, इतना ज्यादा हाई फाई बना है, हाई फाई बोलेंगे हाँ, जो भी बोल लो, जो भी बोल लो, तुम्हारा जो दिल करे, इतना ऊंचा बना है,
वाह भाई साहब, खा के दिखाओ ना, वो तो अभी हो जाएगा, क्या एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। चलो खा के दिखाते हैं, खा के दिखाओ। 1 2 3 ये बनता के गया बड़े से मुंह में। आसान था यार, तुम्हारी तो खाना आसान था। नहीं तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है। वो देखो कहाँ चले गए, शहर में पीस जाएगा गाइस आपी को। ले लो वाह भाई, आपी का मुंह भी इतना बड़ा है। आराम से चला गया अंदर। देखते हैं अब अम्मी आराम से इसको खा पाएंगी कि नहीं। वाह 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 वाह। कीम आइस आइस कीम खाई। ये देखो अभी बाहर आइसक्रीम वाला आया था, तो इब्बी आइसक्रीम वाला आया था, तो इब्बी ने कहा कि भाई मुझे खाना है, तो उसके पापा गए इब्बी को साथ लेके, है ना इब्बी आप भी गए थे ना। यम्मी तो बोल दो, यम्मी। जीजू खा के देखे पक्का। गाइस यहाँ पर मुंतहा खाना लेकर आ चुकी है और मैं पानी मैं लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बताने का, हमें पता ही नहीं था। आज खाने में बना है आलू कीमा और चावल और आइसक्रीम भी आज तो। वाह भाई इब्बी ने चावल खाए, हमारा इब्बी चावल खाता है। पता है अब ये क्या करता है, हमें देख देख के इसको इतनी आदत हो गई, कुछ भी खाएगा ना। जुजू मुझे भी। वाओ यम्मी। गाइस आप ही ने ना चावल में कड़ी पत्ता डाल दिया, तो टेस्ट पता है क्या, समझ रहे हो? नहीं समझे, आप मुंह से बोलते हैं अगर। टेस्ट थोड़ा खराब हो गया। गाइस असल में ये आपी से डर रही, क्योंकि आपी फिर गुस्सा करती है कि मेरा बनाए हुए खाने की तुम तारीफ ही करिए, इसलिए। गाइस बारिश का समय भी हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मजा आ रहा है कि पास। चलो से सब यहाँ बैठ चुके हैं खाना तनावल फरमाने। गाइस यहाँ पर मुंतहा ने अभी बर्गर ठूसे हैं दो, क्योंकि मैंने तो खाए नहीं थे, मुझे खाए नहीं जा रहे थे। झूठी यार तुम, पीछे ये साउंड क्यों झूठी वाला चला देती हो, हर दफा झूठी वाला साउंड चला देती हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। झूठी पूरी यार चुप, अभी ये पूरी प्लेट मुंतहा केले खा जाएगी, आप ही का सिर्फ हाथ नजर आ रहा है। झूठी का साउंड नहीं चलाना, झूठी का साउंड नहीं चलाना। झूठ बोल रही हो तो झूठी बोल रही हूँ ना अम्मी, मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं। तो अम्मी मैंने बर्गर, इसने खाया ना बर्गर? अम्मी मैंने खाया, नहीं खाया। अम्मी आप झूठ में शामिल क्यों हो रही है, सच बताए इसने खाया बर्गर? गाइस देखिए मुंतहा मुझसे ऐसी लड़ती है। हां बाद में खा लिया था, बाद में थोड़ा सा खाया था गाइस, लेकिन खाया था अम्मी, आधा खाया आधा बाद में फिर खा लिया अम्मी, पूरा खा लिया अम्मी। अम्मी उसने तो सिर्फ साउंड चलाया था, आपने तो पूरी कहानी चला दी है। यार मतलब कुछ भी। गाइस मैं आपको बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने आधा खाया था और इन लोगों ने डेढ़ पूरा बर्गर, पता नहीं कहाँ खाया कैसे खाया, फिर खाना खाने बैठ गए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोगों से मिलूंगी कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल। क्या अम्मी? तब तक ढेर सारा ख्याल, ढेर सारा ख्याल। और लाइक कीजिएगा, और मेरे लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खाने में रिस्क में बरकत दे। और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।